आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही पर्सनल टॉपिक पर है और आज हम लोग शेयर करने वाले हैं व्हाई वी क्विट अवर जॉब्स एंड स्टार्टेड अवर बिजनेस। तो स्टार्ट करते हैं तनिष्का से। शी विल टेल व्हाई शी क्विट हर जॉब एंड हाउ शी स्टार्टेड हर जर्नी इनटू दिस बिजनेस। मेरी तो स्टोरी बहुत छोटी सी है वैसे अगर देखा जाए तो। मैंने ग्रेजुएशन किया था DU से, किरोड़ीमल कॉलेज से। उसके बाद मेरी डायरेक्ट जॉब लग गई थी एक सेल्स कंपनी में। एंड वहाँ मुझे ऐसा ज्यादा मजा नहीं आ रहा था क्योंकि वो सेल्स की जॉब थी। एंड मुझे इतना ज्यादा मतलब उस टाइम पे अगर देखा जाए तो मैं इतनी एक्सट्रोवर्ट भी नहीं थी। एक्सट्रोवर्ट तो मैं अभी भी नहीं हूँ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की हूँ। तो उस टाइम पे वो सेल्स की जॉब मुझे बहुत मतलब उससे मैं बहुत डर गई थी सेल्स की जॉब करने से। मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं एक बार, देखते हैं कि क्या होता है। तो शुरू में मैंने जब जॉब स्टार्ट करी तो उसके दूसरे महीने में ही मुझे उतना मजा नहीं आया जॉब करने में। जैसे कि मुझे बातें करने में भी इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता लोगों से, और सेल्स की जॉब होती ही इस तरीके की है कि आपको दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है एंड उस तरीके का काम होता है। उसमें मुझे बिल्कुल ही मजा नहीं आया। तो जब दूसरा महीना था मेरी जॉब का तो उसमें मतलब कुछ मेरे सीनियर ने मुझे डांटा मेरी सेल्स की वजह से। तो मुझे लगा कि यार जिस चीज में मुझे मजा नहीं आ रहा उसको मैं आगे कितने दिनों तक कंटिन्यू कर सकती हूँ, ऐसे झेल झेल के कितने दिनों तक चल सकती हूँ। तो उसी टाइम पे मैंने अपनी जॉब क्विट करी। एंड वो जो एक और स्टोरी मेरी जिंदगी में चल रही थी कि मुझे डिजाइनिंग का शौक था, तो उसी टाइम पे मुझे ट्रिगर करा कि हाँ चलो इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो एक बारी हम अपना कपड़ों वाला बिजनेस शुरू करके देखते हैं। तो इतनी सी थी मेरी कहानी, अब आगे बताएंगी नेहा दीदी आपको। तो जैसे कि तनिष्का ने बताया, उसने अपनी जॉब क्विट करी क्योंकि उसे टारगेट अचीव करना और सेल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैंने 7 साल IT में जॉब करी है, 7 to 8 years अप्रोक्सीमेटली। और मैंने आफ्टर BTech अपना करियर स्टार्ट किया। पहले एक छोटी सी IT कंपनी में मैंने जॉब स्टार्ट किया। उसके बाद फिर लगभग मुझे हर एक साल में मुझे बोर लगने लगता था कि यार मैं अब इस कंपनी में और जॉब नहीं कर सकती, तो मैं तुरंत स्विच मार देती थी। मतलब मेरा मैक्सिमम टेन्योर एक IT कंपनी में 18 months था। तो इस तरह से मैंने 1.5 साल जॉब करी, फिर छोड़ा दूसरी कंपनी, वहां दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। तो एक किक नहीं मिल पा रही थी क्योंकि हर कंपनी में जाके नए प्रोजेक्ट पे काम करना था। तो मुझे अपनी लाइफ का कोई ऑब्जेक्टिव समझ नहीं आ रहा था कि मैं एक कंपनी छोड़ती हूँ, दूसरी कंपनी में जाती हूँ, वहां पे नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देती हूँ। ऑल्दो मैं बहुत ही एकेडमिकली बहुत गुड स्टूडेंट थी, तो मुझे कभी किसी जॉब स्विच करने में कभी दिक्कत नहीं आई। जैसे मैं एक जॉब से बोर हो गई, मुझे तुरंत दूसरी जॉब मिल जाती थी। और कभी भी किसी कंपनी में निकालने की भी नौबत नहीं आई क्योंकि मेरी कोडिंग स्किल्स वगैरह ठीक ठाक थी। और मुझे कोडिंग प्रोफाइल पे ही मैं जॉब कर रही थी, C and C++ में डेवलपमेंट प्रोफाइल था मेरा, एम्बेडेड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो मैं इस तरह से करते करते 8 साल तो मैंने काट दिए जॉब करते करते। पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे थे, उसकी भी कोई टेंशन नहीं थी। बट जो एक ऑब्जेक्टिव था लाइफ का वो नहीं कहीं भी मुझे समझ आ रहा था कि मैं इस तरह से जॉब स्विच कर करके बस पैसे ही अर्न कर सकती हूँ, बट मैं सोसाइटी को कुछ भी नहीं दे सकती इस तरह। तो ये चीज मेरे दिमाग में पहले ही आने लगी थी। मतलब जब तनिष्का ने बिजनेस स्टार्ट किया था तभी हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हम पैरेलली, जब तक क्योंकि हमारे पास फंड नहीं थे, तो पैसों के लिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फंड्स तो चाहिए। तो मेरा जॉब करना भी बहुत जरूरी था ताकि एटलीस्ट हमारे पास पैसे इतने तो हों कि हम कुछ दिन सेल्स नहीं आए तो हम सर्वाइव भी कर सके। तो इसलिए मैंने काफी दिन तक जॉब करी। और लास्ट जो कंपनी थी वो मैंने SCL से रिजाइन दिया था एज ए टेक्निकल लीड। तो अच्छा खासा IT में एक्सपीरियंस हो गया था। बट ये है कि कोई भी आपका एक्सपीरियंस कभी वेस्ट नहीं जाता। जैसे मैंने IT में जो भी एक्सपीरियंस किया वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में, कभी लॉजिकल थिंकिंग्स कहीं ना कहीं हमारे यूटिलाइज हो ही जाते हैं। तो इस तरह मैंने भी अपनी जॉब क्विट करके फिर थोड़ा जब बिजनेस लगा कि हाँ सेल्स ठीक हो रही है और हम लोग इस मतलब हमारा गुजारा चल जाएगा, बहुत अच्छे पैसे तो नहीं, हाँ
ठीक है, हम अपना खाने पीने का और ये सब हम मैनेज कर लेंगे और मेरे पास थोड़ी ठीक ठाक सेविंग भी हो गई है, तो चलो अब मैं फुल टाइम बिजनेस को देती हूँ, क्योंकि अगर हम फुल टाइम खुद ही नहीं दे पाएंगे तो हम किसी इन्वेस्टर को कभी कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि भाई जब मैं ही नहीं पूरी तरह कन्विंस हूँ अपने बिजनेस के लिए तो कोई मुझ पे क्यों इन्वेस्ट करेगा। तो उस टाइम मुझे लगा कि हाँ ठीक है अब हम कर सकते हैं, तो मैंने भी अपनी जॉब क्विट करी और मैंने अपना पूरा फोकस बिजनेस पे ही दिया। तो इन सब चीजों के बीच हमारी फैमिली मेंबर्स का बहुत मेजर रोल है, कि क्योंकि फैमिली के लिए मतलब जॉब छोड़ना बहुत इजी टास्क नहीं है, और सबके लिए मैं सभी को ये नहीं सजेस्ट करूंगी कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो तुम जॉब छोड़ के बैठ जाओ और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो, क्योंकि सबकी फैमिली की कंडीशन सब कुछ अलग अलग होती है और डिसीजन भी हमें सारी सर्कमस्टांसेस को देख के ही लेना चाहिए, रैंडम डिसीजन नहीं कभी भी नहीं लेना चाहिए लाइफ में। जैसे मेरे पास तो एक ऑप्शन था कि अगर मैं जॉब छोड़ रही हूँ तो मेरे को देखने के लिए मेरी अभी बहनें हैं तो मेरे पास वो लायबिलिटी थी, पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो डिपेंडेंट नहीं होते हैं, मतलब घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, तो उनको हम सजेस्ट करेंगे कि भाई कुछ भी अगर स्टेप लेना है आगे तो बहुत सोच समझ के और बहुत सारी चीजों को दिमाग में रखने के बाद ही लेना चाहिए कुछ इस तरीके का बड़ा स्टेप। इसी तरह हमने भी पूरी प्लानिंग करने के बाद ही मैंने मतलब कम्प्लीटली जॉब को छोड़ा, लेकिन जब मैंने छोड़ा तब मेरे पापा ने उस समय मुझे बहुत डांटा कि तुम ये हाई पेइंग जॉब क्यों छोड़ रही हो और क्यों नहीं करना चाहती तुम जॉब, पर उस टाइम मेरे पास कोई सॉलिड रीजन नहीं था उनको देने के लिए कि मैं क्यों छोड़ रही हूँ। मैंने बोला कि अगर मेरा बिजनेस वर्कआउट नहीं किया तो जॉब तो मुझे मिल जाएगी, कभी भी मिल जाएगी, मैं कर लूंगी, पर मुझे एक बार ये ट्राई करना है। लेकिन अब जब मेरे पापा देखते हैं इतने सारी टीम को मेरे अंडर काम करते हुए तो उनको एक अलग ही खुशी मिलती है और वो सबको बड़े गर्व से बताते हैं कि देखो मेरी बेटी उसने वहां पे अपनी फर्म खोली है और इतने लोग काम करते हैं। तो कई लोग उनके पास आते भी हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे की जॉब लगवा दो आपकी बेटी की कंपनी में, तब मुझे असली खुशी मुझे तब होती है। और हालांकि अभी भी हम लोग इतनी सैलरी विदड्रॉ नहीं कर रहे हैं हमारी कंपनी से, बट हाँ ये होप है कि हम इतने लोगों को सैलरी दे पा रहे हैं और इतने सारे लोगों का एक मतलब खर्च वगैरह हमारी वजह से हमारी वजह से उनका घर चल रहा है, तो इस चीज की मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन है और हम दोनों को जॉब्स क्विट करने का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता। और हमारे हस्बैंड्स भी बहुत सपोर्टिव हैं इस चीज में, क्योंकि बिजनेस में डाउनफॉल और अप एंड डाउन लगा ही रहता है, तो अगर वो लोग हमारा इतना सपोर्ट नहीं करते तो हम लोग कभी भी इस मतलब बिजनेस को चला ही नहीं पाते, इतने रिस्क नहीं ले सकते थे लाइफ में। तो इसलिए जॉब को क्विट करना बहुत इजी नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट होता है, तभी हम लोग इतने डिफिकल्ट डिसीजंस लाइफ में ले पाते हैं। तो कुछ ये था कुछ पार्ट ऑफ अवर जर्नी जो कि आज हमने हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप हमारी पर्सनल लाइफ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आप भी अपने डिसीजंस लेने के लिए सारी कैलकुलेशन करके तब ले पाएंगे। और तो बस मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कुछ भी करने से पहले उसके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सारी चीजें देख लेना आप लोग भी। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग होते हैं जो 9 to 5 जॉब्स में भी खुश रहते हैं, क्योंकि 9 to 5 जॉब्स के भी अलग अपने फायदे होते हैं, सैलरी आपकी मंथली आएगी और मतलब बहुत सारी जो बिजनेस शुरू करने में या बिजनेस चलाने में जो टेंशन्स होती हैं वो 9 to 5 जॉब्स में इतनी टेंशन नहीं होती, तो वो भी एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज होगा आप लोगों के लिए अगर आप कभी भी ऐसा डिसीजन लेते हैं तो, कि जॉब क्विट करने के बाद बिजनेस शुरू करना वो बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपको सच में लगता है कि आप कुछ मतलब 9 to 5 जॉब्स या अपनी किसी भी क्या बोलेंगे, अगर आपको सच में लगता है कि आप जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, आपको कुछ और करना है लाइफ में, तो पूरा आप अपना 100% हाँ 100% दो उस चीज को, फिर जॉब भी कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में अपना 100% दो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो 100% दो। जैसे कि हम लोग को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी बिजनेस को अपनाने के लिए, सेट करने के लिए, तो हर एक चीज जो भी आपको जिंदगी में करनी है दैट रिक्वायर्स योर 100% ऑफ एफर्ट्स।
ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आप सभी को कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी इससे, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरीके की बहुत सारी छोटी मोटी हमारी कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी इस हमारे चैनल पे, एंड साथ के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर सा कलेक्शन लाते हैं हम लोग, जो कि हमारे वीडियोस के जरिए आपको देखने को मिलेगा। तो विदा लेते हैं आज आप सबसे हमारे वीडियो से, फिर मिलते हैं विद द न्यू कलेक्शन और विद सच काइंड ऑफ वीडियोस। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।